हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस सब्जी को हम बनाने जा रहे हैं उसे सेंध, कचरी या फिर फूट कहा जाता है। पूर्वांचल में इसे फूट कहा जाता है, राजस्थान में इसे कचरी और आगरा साइड में इसे सेंध कहते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये आराम से छिल जाती है। पीलर लें और आराम से इसे छील लें। देखिए कितने आराम से छिल रही है ये। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है इसकी। इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। काट के इसे आप कटोरी में रख लीजिए, इसमें चीनी डाल दीजिए और 5 मिनट बाद खाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। इस तरह हम पीलर की सहायता से इसके सारे छिलके हटा देंगे एक एक करके। देखिए थोड़ी भी दिक्कत नहीं कर रहा है, ये आराम से छिल गया। अब इसे हम काटेंगे और इसके बीजों को इससे अलग करेंगे क्योंकि इसके बीज थोड़े कड़वे होते हैं। वैसे बीजों के साथ भी इसको हम बना सकते हैं, बट इसके बीज इस टाइम टाइट बहुत ज़्यादा है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो दांतों में फंसेंगे। जिससे खरबूजे के बीज होते हैं एकदम बिल्कुल उसी तरह के बीज इसके भी होते हैं। ये सारी जो सब्जियां हैं, ये फूड कचरी जो भी, ये सब खरबूजा, तरबूज और कद्दू सब एक ही जैसा लगता है मुझे तो। हो सकता है इनकी फैमिली एक ही हो। अब बीच में इसको चीरा लगा के इसको हम थोड़ा लंबे लंबे और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे क्योंकि ये बनती बहुत जल्दी है। अगर हम ज़रा पतले पतले टुकड़ों में काटेंगे तो ये गल जाएगी एकदम से ही। इस तरह मैंने सारे टुकड़ों को काट के तैयार कर लिया है। कुछ मैंने अलग कर लिए हैं, उससे मैं चीनी डाल के खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 चम्मच चीनी डाली, 5 मिनट के लिए रखा और गया ये पेट में। और बाकी जो है उनकी क्या बनेगी, सब्जी बनेगी। एक गिर गया नीचे। देखिए आप भी ऐसे करके खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। आजकल मार्केट में बहुत मिल रहा है ये फूड। चलिए इसका काम तो हो गया, ये तो मेरे पेट में जाएगा। बाकी जो मेन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें मसाले लगेंगे कुछ लगता ही नहीं है इसमें, बस एक प्याज लगेगी, हरी मिर्च और 4 कलियां लहसुन की। लहसुन और मिर्च को मैं दरदरा कूट लूंगा। नमक डालना भूल गया मैं, फिर मैं इसमें नमक भी डाल के अच्छे नमक डाल के कूटने से एक चीज ये होता है कि आराम से कूट जाता है। हमने ये कूट के रख लिया है। प्याज भी हमने बारीक काट ली है और जो इसमें सूखे मसाले जाएंगे वो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और लाल मिर्च। देखिए मैंने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च ली क्योंकि मैं तीखा बहुत ही कम खाता हूँ, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ। बारीक कटी हुई ये प्याज है, प्याज को मैंने बहुत ही बारीक काटा हुआ है। लाल मिर्च तो ऐसे भी ऑप्शनल होना चाहिए, जिसको पसंद है वो डाले, जिसको ना पसंद हो वो मत डाले। अब ये मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गर्म हो गया तो मैंने जीरा डाल दिया जो चटकने लगा। मेरी कढ़ाई इस तरह इसलिए हो गई क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी, बहुत दिन से यूज नहीं हुई थी और मैंने सोचा गंदी हो रखी है। मैंने इसे जूने से अच्छे से रगड़ दिया तो सारे टेफ्लॉन की कोटिंग हट गई इसकी। अब इसमें डालेंगे हम प्याज और प्याज को हम करेंगे फ्राई अच्छी तरह से। और जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए, एकदम ब्राउन नहीं करना जैसा बिरयानी में डालते हैं, हल्का ब्राउन करना है। देखिए धीरे 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 प्याज अपना कलर चेंज कर रहा है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो कि एक बहुत ही अच्छी खुशबू बिखेरता है। सारा टेस्ट इन्हीं मसालों का ही रहता है, लेकिन मसाले इतने भी नहीं डालने चाहिए कि जो सब्जी है वो अपना टेस्ट खो दे, तो सब कुछ बैलेंस। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं बताता हूँ बाकी मसालों को करना क्या है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च, इनको एक कटोरी में लेकर इनका
घोल बनाना है पानी में, ताकि जब ये मसाले मैं उसमें डालूँ कढ़ाई में तो ये मसाले जल ना जाएं। ये टेक्निक मेरे को मेरी मम्मी ने बताया। देखिए थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें कटोरी में और इसे मिक्स कर लेंगे, तो सारे मसाले जो हैं वो एक सार हो जाएंगे। एक सार मीन्स मतलब पूरे मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ये समझिए, बस यूनिफॉर्म हो जाएंगे एक तरह से। तो इससे क्या होगा ना कि जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये जलेंगे नहीं। देखिए क्या अच्छा कलर आया है, अब मैंने इसमें डाल दिया इन्हें, अब ये पकेंगे मसाले जब तक ये तेल छोड़ ना दें बहुत ही अच्छे से। मसाले पकने की पहचान यही होती है कि वो जो तेल पहले एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको निकालने लगते हैं अपने अंदर से, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मसाले पक गए हैं। तो देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है, सारा तेल इसने छोड़ दिया है और कलर भी कितना अच्छा आया है। ये राइट टाइम है कि हम अपनी कचड़ी इसमें डाल दें। तो अब हम अपने फूड या कचड़ी जो भी आप बोलते हो अपने घर पे उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कलर के तो क्या कहने, जब बनाने में ही इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए खाने में कितनी अच्छी लगेगी। वैसे भी ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, जरूर बनाइए, हल्की भी होती है पेट के लिए। तो जिनका पेट खराब रहता है या जो थोड़ा डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो तेल की मात्रा कम करके सब्जी को बनाइए, फिर ऑलिव ऑयल में बनाइए, अच्छी बनती है। हमने इसे अच्छे से हिला डुला लिया है ताकि सारे मसाले इस पे चिपक जाएं। देखिए एक-एक मसाला चिपक गया है हर एक का उसके ऊपर, कचरी के ऊपर। कलर भी काफी अच्छा आया है, अब हम इसे ढक देंगे और हाँ थोड़ा पानी और डाल देंगे ढकने के बाद। अब हमने पानी डाल दिया इसमें, थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, ये हम डालते इसलिए ताकि नीचे से पकड़े ना ये। आप भी डाल ही दीजिएगा थोड़ा सा पानी। अब देखिए फिर हमने मिलाया इसे अच्छे से, अब फिर हम इसे ढक के पकाएंगे, कम से कम 1.5-2 मिनट तक तो पकाएंगे, बस हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी इतने में। हमने ढक दिया, फिर 1.5-2 मिनट बाद जो हमने खोला तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है और सब्जी भी हमारी एकदम पक चुकी है एकदम। इसे मैशी नहीं करना है, आई मीन इसे हलवा नहीं करना है, क्योंकि ये पक चुकी है एकदम। अब फाइनल टच तो जानते हैं किस चीज का देते हैं, डाल दिया हमने इसमें धनिया, और हाँ नमक भी इसे सबसे अंत में डालेंगे, क्योंकि नमक क्या करता है, नमक सब्जियों को मुलायम कर देता है जिससे वो टूटने लगती है। अब क्या नमक और धनिया एक साथ डाल दिया मैंने और मुश्किल से मुश्किल आधे मिनट के लिए बस, और इंतजार, उसके बाद सीधा आ जाएगी कहाँ, ये प्लेट पे, और प्लेट के बाद सीधा कहाँ जाएगी, पेट के अंदर। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है एकदम, कि मतलब मिल जाए और जाए सीधा पेट में। बस आधा मिनट तक इसको हम और पकाएंगे ढक के अच्छे से। बस हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है, हमने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है, देखिए कितनी शानदार दिख रही है सब्जी, बहुत ही पौष्टिक होती है। आप बनाइए, खाइए और लोगों को भी खिलाइए, और आपके यहाँ इस सब्जी को बोलते क्या है वो भी प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आप लोग।